आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सेफ सिटी परियोजना के दूसरे चरण का सीएम योगी 8 मार्च को करेंगे लोकार्पण। सेफ सिटी परियोजना ने शहर को महिलाओं के लिए बनाया सुरक्षित। महिलाओं से जुड़े अपराधों में आई भारी कमी। गोरखपुर सहित यूपी के 12 और शहर बनेंगे महिलाओं के लिए सेफ सिटी। रामगढ़ ताल के समीप स्थित वाटर पार्क के भागीदार श्याम बिहारी अग्रवाल व दीपक कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर जीडीए सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार व अनैतिक मांगों का गंभीर आरोप। वहीं जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम ने किया पलटवार, कहा श्याम बिहारी अग्रवाल और दीपक अग्रवाल से उनकी कहीं भी नहीं हुई है मुलाकात, आरोप है निराधार। कोरोना काल के 11 माह बाद रविवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ पैसेंजर ट्रेनों का संचालन। खुले टिकट काउंटर, स्टेशन पर लौटी रौनक। सीपीआरओ ने कहा यात्रियों को करना होगा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को दीवानी न्यायालय में आयोजित हुआ नियमित लोक अदालत। 719 वादों का हुआ निस्तारण, वसूले गए 75,005 रुपए अर्थदंड। सचिव ने कहा 10 अप्रैल को होगा वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को खेला गया कमिश्नर एकादश व रेलवे ऑफिसर्स एकादश के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच। रेलवे ऑफिसर्स एकादश ने कमिश्नर एकादश को 32 रनों से दी शिकस्त, ट्रॉफी पर किया कब्जा। गोरखपुर में रविवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,487। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 29 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। महानगर अध्यक्ष रंजय सिंह जुगनू की अध्यक्षता में संपन्न हुई हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक। शासन की योजनाओं का समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड के जनपद इकाई के तत्वावधान में 7 दिवसीय बेसिक स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन कोर्स का जिला मुख्यायुक्त ने किया शुभारंभ। कहा प्रशिक्षण प्राप्त कर युवाओं एवं देश के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दे स्काउट गाइड। डॉक्टर अंजू वर्मा की अध्यक्षता में हुआ हीमोफीलिया सोसाइटी की मासिक बैठक। बीआरडी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में हीमोफीलिया मरीजों के लिए व्हीलचेयर रखने की मांग। और महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2 वर्ष से 85 वर्ष की महिलाओं ने गायन के माध्यम से बनाया रिकॉर्ड।